में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल के 13वें सीजन का 7वां मैच खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 44 रनों से हराकर सीजन में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। चेन्नई ने टॉस जीतकर एक बार फिर से पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टीम में लुंगी एनगिडी की जगह जोश हेजलवुड को शामिल किया गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत बेहद शानदार की। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने पहले विकेट के लिए 94 रनों की मजबूत साझेदारी की। दिल्ली को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लगा। पीयूष चावला ने शिखर धवन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। धवन ने 27 गेंदों में 35 रन बनाए। धवन के आउट होने के कुछ ही देर बाद पृथ्वी शॉ भी चलते बने। पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 64 रनों की धमाकेदार पारी खेली। धवन और पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद मोर्चा ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत ने जहां नाबाद 37 रनों की पारी खेली तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अहम 26 रन बनाए, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इस दौरान चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी का भी असर रहा और 185 के पार जाती दिख रही दिल्ली 175 के स्कोर पर ही रुक गई। चेन्नई की ओर से पीयूष चावला सबसे सफल गेंदबाज रहे। चावला ने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके। पीयूष चावला के अलावा सैम कुरेन ने 27 रन देकर 1 विकेट लिया। चेन्नई की सधी हुई गेंदबाजी के बाद चेन्नई के फैंस को उम्मीद थी कि सीएसके के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर जीत हासिल कर लेंगे, जिसका दारोमदार मुरली विजय और शेन वॉटसन पर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत एक बार फिर से खराब रही और 23 रन के अंदर ही पारी के 5वें ओवर में चेन्नई को शेन वॉटसन के रूप में पहला झटका लगा। वॉटसन को अक्षर पटेल ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया। वॉटसन के आउट होने के कुछ देर बाद ही मुरली विजय भी चलते बने। इसके बाद एक बार फिर से फाफ डुपेसी ने टीम को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन एक बार फिर से दूसरी ओर से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला। हालांकि फाफ और केदार जाधव ने कुछ देर तक बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन 16 ओवर में ये जोड़ी भी टूट गई। केदार जाधव ने 21 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 26 रनों की पारी खेली और नॉर्थ विजय के शिकार हुए। इसके बाद लगातार बढ़ते रन रेट के दबाव के बीच पारी के 18वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डुप्लेसिस विकेट के पीछे पंत को कैच थमा बैठे। उन्होंने 43 रनों की पारी खेली। कप्तान धोनी एक बार फिर से फ्लॉप रहे और कुछ खास नहीं कर सके और 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर महज 131 रन ही बना सकी और 44 रन से दिल्ली ने चेन्नई को पटकनी देकर दूसरी जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी की और वे चेन्नई के बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहे। दिल्ली की ओर से कगिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे। रबाडा ने 26 रन देकर चेन्नई के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इसके अलावा एंड्रिक ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। पृथ्वी शॉ को उनकी अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।